राजस्थान राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय विधायकों की बड़ी भूमिका है, कांग्रेस के साथ शुरू से रहे हैं, कांग्रेस विचारधारा के भी बहुत ज़्यादा है। संयम लोढ़ा जी हमारे साथ हैं। सर, किताबें विताबें सब कुछ लेके आए कांग्रेस के खेमे में आप? किताबें तो खुराक है, इसके बिना तो गुजारा नहीं है। किताबें खुराक है, काफ़ी पढ़ते भी हैं सर, लेकिन ये क्या चल रहा है? राज्यसभा चुनाव में 3 उम्मीदवार के लिए जगह है, चौथा उम्मीदवार भी खड़ा कर दिया गया, खरीद फरोख्त के भी आरोप लगे, क्या इस तरह का कुछ ये सही मान रहे हैं ये बातों? दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने देश के पूरे राजनीतिक वातावरण को प्रदूषित करने का बीड़ा उठा रखा है। आप असम का उदाहरण देखिए, आप गोवा का उदाहरण देखिए, आप कर्नाटक का उदाहरण देखिए, आप मध्य प्रदेश का उदाहरण देखिए, गोवा का उदाहरण देखिए। ये इन किन प्रकारें प्रतिपक्ष को कमज़ोर करना और षड्यंत्र के जरिए राजनीतिक सफलता प्राप्त करना, ये इन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया है। और इसी क्रम में राजस्थान में भी लगातार ये प्रयास करते रहे। इनके कई विधायकों ने समय समय पर इस तरह के बयान दिए हैं कि राजस्थान सरकार कितने दिन रहेगी, कितना समय पूरा करेगी। यहाँ तक कि आपको याद दिलाऊंगा, एक बार वसुंधरा राजे ने स्वयं ने इस तरह का भी बयान दिया था। और अब ये राज्यसभा चुनाव एक तरीके से इन्होंने प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल करने की चेष्टा की है। लेकिन आप लोगों के भरोसे, निर्दलीय विधायकों के भरोसे ही उन्होंने कोशिश कर रहे हैं वो? निर्दलीय विधायकों के भरोसे या प्रतिपक्ष के विधायकों के भरोसे या सत्ता पक्ष के विधायकों के भरोसे, जो भी हो, इन्होंने अपना प्रयास करने की चेष्टा की है। और आप देखिए, एक दो दिन में ये जानकारी भी सामने आ जाएगी कि इनकी तरफ से किस व्यक्ति ने बात की है, किस व्यक्ति से बात की गई है, वो भी जानकारी सामने। सर, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मतलब ऑफर आया है, आप मान रहे हैं ये? नहीं, मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इनकी ओर से बातचीत की गई है और वो खुलासा होगा। क्या आपको भी ऑफर आया था? नहीं नहीं, मेरे से तो बात करने की हिम्मत ही जिंदगी में नहीं पड़ी इनकी। तो अभी आप कांग्रेस के साथ हैं, जैसे 1.5 साल से लगातार तो कांग्रेस में साथ गया है, कांग्रेस में ही जिए हैं, कांग्रेस में ही बड़े रहे हुए हैं। ठीक है, लोगों के आदेश पर चुनाव लड़ा हमने और इन शक्तियों से जितना हमारा सामर्थ्य है उतना मुकाबला करना। संयम लोढ़ा जी खुलकर बोलने वाले हर चीज़ों को, लेकिन आज इन्होंने भी एक हैशटैग टाइप लगा दिया कि जल्दी ही पता लग जाएगा किन किन विधायकों को इस तरह से लुभाया गया, प्रलोभन दिया गया। लेकिन इतना तो इन्होंने संकेत दे दिया, प्रलोभन जरूर आया है और इसकी अब जांच भी होगी। फिलहाल तो ये देखिए, ये विधायक हैं, यहाँ पर सामान अगर लेके आने लगे हैं यहाँ पर अब, क्योंकि अगले कुछ दिन तक इनको इसी होटल में रहना है यहाँ पर। संयम लोढ़ा जी खुद भी किताब पढ़ने के काफ़ी शौकीन हैं, अपनी किताबों को साथ लेके चलते हैं और आज भी किताब लेके आए, ताकि यहाँ पर राजनीतिक चर्चाओं के साथ साथ वे अपनी जो पर्सनल हॉबी है उसको भी पूरा कर सके। और अपने आप में यही बड़ी बात है कि अपनी मनपसंद किताबों को भी ये यहाँ पर अपने साथ लेके आए हैं, यानी कितना तय हो गया कि अब ये सभी लोग इसी होटल में ही रहेंगे अगले कुछ दिनों तक, या ऐसा कहूँ कि 19 जून तक। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।